Excuse me, miss. हाँ? No, actually, मेरा नाम घबरा मत हिम्मत रख यार कूल कूल शिव कुमार आप मुझे नहीं जानती अब मैं आपको जानता हूँ अब मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है मिस उस दिन मंदिर में एक बैड बॉय आपका पीछा कर रहा था ना ये बैड बॉय वही है मिस ये गुड बॉय गुड मिस मैंने आपको मंदिर में देखा था लेकिन आई एम नॉट द बैड बॉय सिर्फ आपसे 2 मिनट बात करके साबित कर सकता हूँ इतनी जल्दी आप मेरी बात मान जाएंगी विश्वास नहीं था कोई भी आपको ऐसे बुलाता और आप चली जाती हेलो सॉरी 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 मैं अपने गांव में ही घर बसाना चाहता था लेकिन फिर भी इतनी दूर मुझे आना पड़ा मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूँ पापा अभी अभी रिटायर हुए हैं भाई माइनिंग में है और मेरी माँ जो है वो कहना क्या चाहते हो सीधे मतलब की बात करो सीधे मतलब की बात करूँ ओके सच तो ये है कि वो देखिए कितनी खूबसूरत बच्ची है हमारी भी इसी तरह 2-3 खूबसूरत बच्चे होंगे आई मीन शादी के बाद ओके फाइन बट हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी अब हस्बैंड बच्चिया और मंगलसूत्र तुम शादीशुदा हो ऐसा लगता ही नहीं है वो तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास तुम मजाक कर रही हो ना मैं मजाक कर रही हूँ इस तरह बीच रास्ते में अनजान लड़की से शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आती देखिए सीरियसली मैं अपनी शादी की बात करना चाहता हूँ किसी भी लड़की से मैंने ऐसी बात नहीं कही ओह ये बात है सॉरी मुझे आप पसंद नहीं हो हेलो एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड मुझे आप मेरे घर तक छोड़ दोगे प्लीज पिकअप करने से पहले ही ड्रॉप करने की बात कर रही हो तो कौन इनकार करेगा प्लीज थैंक्स जहाँ आपको ड्रॉप करूंगा कल वहीं से पिकअप भी करूंगा क्या मैं ऑटो से चली जाऊंगी नहीं नहीं जाने दीजिए मैं ड्रॉप करता हूँ बैठिए बस यही रुक दो इसकी क्या जरूरत है अब फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा तो फर्स्ट नाइट की याद आ गई ये क्या बोल दिया सॉरी वो शादी की बात दिमाग में चल रही थी ना तो मुंह से निकल गई समझा कीजिए मेरी बात को ये क्या मैं बातों बातों में तुम्हें अपने एरिया में ले आया चलो मैं तुम्हें तुम्हारे एरिया में छोड़ देता हूँ लेकिन रास्ता तो तुमने ही बताया था ना हेलो हमें आपके घर में किराए पर रहते हुए 1 महीना हो गया है आप मेरे मकान मालिक के बेटे हो इसीलिए आपके साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आई हूँ और ये आपका कौन सा रूप है मोहल्ले में एक शरीफ लड़के की तरह सिर झुका कर घूमते हो और बाहर लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हो रुको तुम्हारी माँ से अभी शिकायत करती हूँ अरे सुनिए माँ से ये बात कहने की क्या जरूरत है अरे ये तो हमारे दोनों के बीच की बात है अब बाहर जा रही हूँ माँ हाँ मैंने चाबी ऊपर रख दी है जाके ले लेना अब मैं सब्जी लेके आती हूँ ठीक है माँ ये लड़की कौन है मेरी बच्ची है बेटा स्कूल से आ रही है बच्ची है स्कूल से आ रही मैं समझा नहीं टीचर की ट्रेनिंग पूरी करके स्कूल अभी ज्वाइन किया है बच्ची इधर गई है बच्ची उधर गई है बच्ची स्कूल गई है आप ये कहती रही और मैं समझता रहा कि आपकी बच्ची छोटी सी 8-10 साल की होगी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी होगी एक्चुअली आप भी इस समय 16 साल की लग रही है ना बेटा क्या मजाक सोच रहा है सही कहा आंटी तुम कैसे जानती हो अरे मैं सच अच्छा, कह रही हूँ झूठ नहीं बोल रही हूँ 5,000 इतने कम में काम चल जाएगा क्या हाँ अरे मैंने किसी को कुछ नहीं कहा नथिंग हाँ अरे माली नहीं तेरा फोन है आती हूँ माँ तू बता ना यार तूने कहाँ तक तैयारी कर ली है हाँ जी हाँ हेलो हेलो इस नंबर से मुझे एक मिस्ड कॉल आई थी मिस्ड कॉल मैंने तो नहीं किया था तो फिर आपका नंबर मेरे पास कहाँ से आया आपका फोन आया था तभी तो मैंने फोन किया ऐसा क्या इट्स ओके आपके हस्बैंड को फोन दीजिए अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है तुम्हारे पिता नहीं दरअसल वो ऊपर चले गए क्या हेलो मेरे पापा हैं और वो काम पर गए हैं दैट्स ओके
घर में कोई लड़का हो तो उससे पूछिए, फोन उसने किया था क्या? आखिर आप चाहते क्या है सर? यार श्योर तुमने फोन नहीं किया था? नहीं किया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बाय। मान गई, फिर से करता हूँ। मैं बेसिकली एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे सादगी पसंद है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हेलो, हाँ बोलिए ना। हेलो हेलो, कौन? मैंने डिस्टर्ब किया क्या? हेलो हेलो, बोलिए। मेरे पास आपके नंबर से एक मैसेज आया है। मैसेज आया है? अभी आया? ऑफ कोर्स। मैंने तो नहीं भेजा है। हेलो, मुझे बेवकूफ समझते हो? मेरा नंबर तुमने मेरी किसी फ्रेंड से लिया है क्या? मुझे जाने बिना तुम मुझसे बात कर रही हो? हेलो, आप कौन है? मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? हमारे मकान मालिक के बेटे शिव है ना आप? क्या हुआ सर? हेलो, सिग्नल अभी तक कट नहीं हुआ है। सिग्नल कट गया होगा। हाँ कट गया होगा। कैसे पहचान गई वो? अब क्या किया जाए? फिर से नाटक शुरू। यार वो 5,000 का क्या करूं? तू एक काम कर, अपना अकाउंट नंबर दे दे, मैं उसमें डाल देता हूँ। हाँ यार, मेरा दिमाग बहुत डैमेज हो गया, मैं घर से बाहर आकर तुझे बात करता हूँ, ठीक है? सब लोग तो बाहर आ गए मगर वो नजर नहीं आ रही। अरे आ जाएगी यार, तू घबरा मत। रानी सो जा बेटा। ये क्या है? किताब नीचे कर। पढ़ रहा हूँ। पड़ोसी का लड़का यहाँ क्या कर रहा है? ए उठ। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ भैया। दूंगा, इतनी छोटी उम्र में ये सब करता है? नहीं भाई, ये कविता मुझे ठीक से याद नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसके पास आ गया। देखा तूने, तू खुल्लम खुल्ला लड़की पटा रहा है, चल यहाँ से। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर लफड़ा चालू है ना, इसीलिए मैं इधर चला आया। किधर? अरे वो वहाँ चालू है ना, चाहे जाकर देख लो। ए, किधर है? वहाँ कोपचे में। अरे इसकी तो यार, इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। तू इसे पकड़। हाँ चले भाई। छोटे, सही रास्ते पर चलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेरी वाली नहीं दिखाई दे रही है। ए, ये कौन है तेरे साथ? आपने इसको पहचाना नहीं भैया? खींच के दूंगा तुझे, मैं जानता हूँ कौन है ये। भाई है। भाई यार नहीं होता, समझी? भाई का नाम खराब करेगी तो मार के लाल कर दूंगा। ए, ए, अपना चेहरा दिखा। ए, ए, कहां से आया रे तू? ढाके कॉलोनी से आया हूं। दूध के दांत टूटे नहीं और जवानी जोर मार रही है, कब आया रे तू? लाइट जाने से पहले आया हूं। लाइट तो अभी 5 मिनट पहले गई है। ये देखो फेसबुक पे इसने फोटो पोस्ट किया। सो जा ना। अच्छा फोटो। नहीं माँ, क्यों? तुम सो जाओ ना माँ, 120 पेपर्स का करेक्शन करना है और उसके बाद और भी काम है। अरे सुबह देख लेना बेटी, सुबह देखूंगी तो पूरे पेपर खत्म नहीं होंगे माँ। कितनी भी देर हो जाए, लाइट आने के बाद पूरे पेपर करेक्शन करके ही सोऊंगी। तू तो मेरी कभी बात सुनती नहीं, तुझे जो करना है वो कर। अरे बहुत देर हो गई। हेलो, हाँ मैं हूँ यार। हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी सी शिकायत है, हमारे एरिया की लाइट चली गई है। तुम अपने पावर का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ की लाइट चालू करा देते तो। देखो ये कंप्लेंट डिपार्टमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट अलग है। क्या? वो अलग डिपार्टमेंट है, तुम्हारा अलग है? तू तो हमेशा कहता रहता ना कि पुलिस कमिश्नर तक तेरी पहुँच है। देख मैं वो सब नहीं जानता, तू कैसे करेगा मैं नहीं जानता, बस तुरंत लाइट आ जानी चाहिए। एक तो बिजली की कटौती चल रही है और तू बात को कमिश्नर तक ले जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, चालू हो जाएगी तो चालू हो जाएगी। और बनता है पुलिस कमिश्नर। अरे यार क्या है ये, बड़ी बड़ी क्यों आंक रहे तू? और कुछ नहीं यार, तो अपने दिन भर की सारी बातें इसमें। लाइट आ गई। मम्मी लाइट आ गई, चलो अंदर चल के सो। लगता है तेरा तीर सही जगह पे लग रहा है यार। हेलो हेलो, हाँ बोल। एक मिनट रुक, लाइट आ गई तो अंदर जाओ ना। हाँ ए, अंदर जाके। हाँ, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। तेरी फोटो आई अभी, तूने देखी क्या? तो तूने कहाँ देखी यार? फेसबुक में देखी है यार। फेसबुक पर? फेसबुक पे मैंने ही डाली थी। मैं फोन करता हूँ। क्यों? अरे छोटू, तुम्हारी पहुँच कमिश्नर तक है, क्या ये हम नहीं जानते? इस उम्र में बूढ़ी अम्मा के पास बैठकर गप्पे मारना चाहिए, उन्हें छोड़कर जवान लौंडो की तरफ फेसबुक पर चिपके रहते हो, ये बात आपको शोभा नहीं देती? फेसबुक पे अपना नाम डालकर तूने उसकी अभी भी जवान है। गुड मॉर्निंग सर। आओ बैठो। नमस्ते भाई। इनसे मिलो, ये हमारे मित्र हैं। इनके कहने से ही तुम्हारा तबादला हुआ है, तुम्हें इसकी मदद करनी है। हाँ क्यों नहीं सर। ए दुर्जय,
कमिश्नर बदलवाया कोई बात नहीं, लगता है उसके हाथों मेरा इनकाउंटर करवाने का प्लान बना रहा है तू। ए, ये बात तो समझ गया हूँ, मैं बोल बचन नहीं करता, करके दिखाता हूँ, इसलिए सीना ठोक के कह रहा हूँ मैं। कमिश्नर और मिनिस्टर तक तेरी पहुँच है इसीलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ना। आज से ठीक 3 दिन के अंदर मैं तुझे दुनिया से उड़ा दूंगा। क्या 3 दिन में? तेरा खेल तो मैं आज रात को ही खत्म करवा दूंगा। ए दुर्जन, जरा पलट के तो देख। नमस्ते सर, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। ये, तेरी इतनी हिम्मत हो गई हैं? तू अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है क्या? मेरे ही आदमी को मारकर मुझसे अपॉइंटमेंट लेने आया है तू? फोन बज रहा है सर। हाँ बोलो शुक्ला। हाँ जीजा, कल्लू रमेश और चिन्ना पांडे ने मिलकर हमारे एक दुश्मन को मार के गिरा दिया है। ऐसा क्या? हाँ जीजा जी। किसने किया ये सब? मैंने करवाया सर, कल्लू रमेश और चिकना पांडे को आपके लिए मैंने खरीद लिया है सर। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। हमारे भाई जब जिंदा थे तो 20% कमीशन लेते थे, और अब काम फायदे में होगा, आधा आधा 50%। आगे पीछे बिना सोचे समझे डायरेक्ट 50% की डिमांड करोगे तो हम इतना कैसे दे सकते हैं सर? 50% देने को तैयार हो तो ही यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो।